वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूं रफीक अहमद। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और एक छोटी सी रोड ट्रिप के लिए बस निकल गए हैं और दिल्ली से आगरा यानी फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं और 6 बजे निकले हैं। लगभग 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी बदरपुर बॉर्डर से पहले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को फतेहपुर सीकरी आज विजिट कराते हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है, कितना टोल चार्जेज लग रहा है, कौन सा रूट ले रहे हैं। जो दिल्ली आगरा का पुराना रूट है बस वही ले रहे हैं। ये रूट का आज कंडीशन आपको दिखाने वाले हैं, तो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलती है। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, आपको बिल्कुल आगरा लेके चलते हैं आज। और जी टाइम 6:30 हो गया, फिलहाल 6:45 बजे घर से निकले हैं और अब देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। बस चलिए हमारे साथ आपको आगरा घुमाते हैं। बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, थोड़ा लेट हो गया हमें निकलने में। जल्दी निकलते तो ये जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिल रही है ना, ये शायद हमें ना मिलता। लेकिन चलो कोई नहीं, तब भी टाइम से निकल गए और अब देखते हैं पूरा टाइम हमें कितना लगने वाला है। ये एक छोटी सी रोड ट्रिप है, वो सारी चीजें जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसी एक वीडियो में। अब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली से, अब उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, सॉरी हरियाणा फरीदाबाद में एंटर कर रहे हैं। अब दिल्ली अब रह गया पीछे और अब आ गए जी फरीदाबाद। अब ये फरीदाबाद एंटर कर गए हैं। ये है महाराजपुर, फरीदाबाद महाराजपुर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से जी बाटा चौक, लेफ्ट वाले में बाटा चौक है ये, और सीधा आगरा। और आगरा जो है यहाँ से 170 किलोमीटर है और अभी घर से 35 किलोमीटर चल चुके हैं। टाइम हो रहा है 6:42 और फॉग ही फॉग नजर आ रहे हैं आगे। अब फॉग है या पोल्यूशन है पता नहीं, मगर अभी अच्छी विजिबिलिटी है नहीं। और रोड बहुत बढ़िया है, ये दिल्ली आगरा ओल्ड वाला रोड है, पलवल होता हुआ आगरा को पहुंचेंगे। दिल्ली आगरा रोड ट्रिप की ये पहली टोल जो है पहुंच गए। अब इसमें कितना टोल कटने वाला है वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा। फिलहाल जो है ज्यादा भीड़ नहीं है। ओ तेरी ब्रेकर इतना हैवी, देखते हैं कितना कटने वाला है। वैसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पलवल क्रॉस कर रहे हैं ऊपर से फ्लाईओवर, अभी काला पिचिंग जो है वो ताजा किया है। चौड़ाई कम है लेकिन है कि अभी कंडीशन अच्छी है, काफी अच्छी है, क्योंकि पलवल शहर है नहीं तो उसको ट्रैफिक से बचाने के लिए जो है ना ये एलिवेटेड पार्ट कर दिया गया है। ये बढ़िया है, चौड़ाई कम है मगर ठीक है। नीचे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत जाम होता था क्योंकि घनी आबादी है पलवल और उसके बीच में ये हाईवे निकला हुआ है, दिल्ली आगरा हाईवे जो ओल्ड हाईवे है, तो इसलिए जो है वो एलिवेटेड पार्ट कर दिया है। थोड़ा सा शहर के बीचों बीच में था तो थोड़ी आसानी हो गई है। अब आगे एलिवेटेड से उतर रहे हैं। टाइम हो गया ये 7:30, घर से बना के लाया पनीर पराठा और अब तक 85 किलोमीटर चल चुके हैं घर से। ये हाईवे जो है ना उतना बढ़िया नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लोकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड इसमें चलना खतरा है।
बाकी ठीक है, अभी चलते चलते नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल स्पीड से चलना पड़ रहा है इस हाईवे में, तो नाश्ता ही कर लिया जाए, 7:30 बजे भूख लग गई है। और बस चल रहे हैं, हमारे साथ बने रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आगे देखिए ट्रकों का जमावड़ा, भयंकर जमावड़ा शुरू से ही चल रहा है, और अपने धुन पे बस चल रहे हैं ट्रक वाले, साइड वाइड देने का बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी साइड नहीं देते हैं। अच्छा, इसमें ढाबे बहुत ज्यादा नहीं है, लोकल रिहायशी एरिया है, ढाबे वाबे कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत कम है। अभी हमने पेट्रोल पंप में ही जो है रुक के अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर लिया, अब पेट्रोल पंप का वॉशरूम वगैरह तो ज्यादा अच्छा होता है नहीं, मगर मजबूरी में करना पड़ा। ये हमारी दिल्ली आगरा ट्रिप की ये दूसरा टोल है, पहला टोल तो 115 रुपए का लगा, और अब ये कितने का लग रहा है, इतना बड़ा ब्रेकर होते हैं ना कि बस बात पूछो ही मत। अब ये कितना लग रहा है अभी डिस्प्ले में शो करेगा, ₹90 का टोल चार्ज है, ठीक ठाक है, एक एवरेज है। हाईवे तो है, मतलब रोड सड़कें तो ठीक ठाक है, लेकिन है कि वही है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, लोड ज्यादा है इस हाईवे पे, ट्रकें बहुत परेशान करते हैं, बाइक्स बहुत हैं, वो रिक्शे वाली जुगाड़ टाइप की जो गाड़ियां होती है वो बहुत हैं। ये तो है, अभी भी फॉग हटा नहीं है यार, 7:50 हो गए, ये पोल्यूशन है इतना जबरदस्त, दिल्ली एनसीआर में अब शुरू हो गया है पोल्यूशन की मारी मारी, अब पूरा जो है ना जनवरी फरवरी तक ऐसे ही तबाही मचेगी पोल्यूशन की। अभी 100 किलोमीटर तो चल चुके हैं घर से, अब ज्यादा नहीं रह गया, अब 110 किलोमीटर रह गया हमें फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजे तक का, 50 किलोमीटर आगरा, 104 किलोमीटर ग्वालियर, 205 किलोमीटर यहां से मथुरा, सही है। ट्रैक्टर भी बहुत है सड़कों पे, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर, ढाबे बहुत कम है इसमें जो है ना, ढाबे बहुत ही कम, नहीं के बराबर, एक ढाबे यहाँ है, ये रहे मुंजी रेस्टोरेंट, एक और यहाँ है, अब ये थोड़े से इधर इस पे ढाबे मिले, ये देखें यहाँ हैवी ट्रैफिक है थोड़ी, अब आगे कुछ हुआ है क्या पता नहीं, लेकिन ट्रैफिक काफी हैवी है बिल्कुल। घर से जी 134 किलोमीटर चल चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:15, और अभी भी यहाँ से 70 किलोमीटर अभी आगरा है, और जहाँ हमें जाना है वहाँ अभी 77 किलोमीटर है, और ठीक ठाक स्पीड मेंटेन है, 80 के लगभग, 80 के आसपास जो है, 80-90 ऐसे ही चल रहा है, तो ठीक ठाक मेंटेन है। और हाईवे सुबह सुबह है, लेकिन मेरे ख्याल से ये दिन में जो है थोड़ी सी मुश्किल है इस हाईवे पे चलना, सुबह सुबह है तो ट्रैफिक थोड़ी सी कम है, तब भी ट्रैफिक बहुत जगह मिली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली मिला है, ये पुराना हाईवे है, इस पे लोड ज़्यादा है, सीधी बात ये है। फिलहाल फॉग से राहत मिली नहीं है, 8:15 फिर भी, अब देखते हैं कहाँ पे हमें
ये फॉग मिलेगी, ऐसा भी होता है। अब यहाँ से वृंदावन के लिए जो है आपको लेफ्ट लेना है, मथुरा सीधा यहाँ से 11 किलोमीटर है, और गोवर्धन जो है आपको नीचे से राइट लेना है, और दिल्ली के लिए वापस यू टर्न ले लें। पार्ट जो है एलिवेटेड बना दिया जा रहा है, क्योंकि मथुरा है तो मथुरा सिटी को जो है भीड़ भाड़ ना लगे, जाम ना लगे, जिसकी वजह से ये जो है ना बन रहा है एलिवेटेड पार्ट। बहुत तेजी से काम हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी अभी ट्रैफिक है, आगे चल के ये सुधर जाएगा और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देखें काम हो रहा है, 8:40 हो गए हैं, मथुरा क्रॉस कर रहे हैं और घर से 162 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी और हमें 50 किलोमीटर चलना है। घर से 6:45 निकला हूँ और 8:40 हो गए हैं। ब्रेक एक बस 5 मिनट का लिया है और बाकी कहीं ब्रेक नहीं लिया है, रेगुलर 80-90 की स्पीड चल रहे हैं। दो जगह हमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिली है तो अब तक तो ये टाइम मिला लगा है, दो टोल आए हैं। अब आगे जैसा भी अपडेट होता है शेयर करेंगे आप लोगों से। और ये आगरा ट्रिप की तीसरी टोल, और ये कितना लगता है ये भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, इसमें भी मुझे लग रहा है ठीक ठाक लगने वाले हैं। ये टोल लग रहा है ठीक ठाक लगेगा। लेफ्ट लेना है, सीधा ग्वालियर है और ये आगरा के लिए लेफ्ट ले लिया। अब ये हमें फतेहपुर सीकरी पहुंचाएगा ये रोड। बाईपास रोड ले लिया है, यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब ये बाईपास रोड है, लोकल ट्रैफिक से तो स्लो है ट्रैफिक, पर तब भी सुबह का टाइम है, 9:15 बज रहे हैं और 195 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब आधे घंटे से पहले जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। बाईपास से ये आगरा जयपुर वाले हाईवे पे आ गया, अब यहाँ से हाईवे से लेना है राइट, और यही रोड वापस हम ताजमहल की तरफ जाएंगे। और फिलहाल जो है फतेहपुर सीकरी के लिए ये आगरा जयपुर हाईवे पे आ गए। बाईपास भी ठीक ठाक था, बढ़िया रोड बना है मगर चौड़ाई कम है और ठीक है, दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा है। और अब जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। 10 किलोमीटर रह गया है, टाइम हो गया 9:15 और हम 15 मिनट में बस पहुंच जाएंगे 9:30 बजे। बहुत जल्दी पहुंचने का रीजन है ब्रेक नहीं लिया, मच्छे सो रहे थे चुपचाप चलता रहा। और बस जी इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पूरी आगरा की सीरीज जो है इसके बाद आएगी तो वो आप विजिट करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, ट्रिप पे आना चाहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉक में मिल जाएगा। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉक पे। आगरा सीकरी फतेहपुर का बुलंद दरवाजा की जो भी किला है उसको एक्सप्लोर करते हुए, रखें आप लोग अपना ख्याल, बाय। हाँ चले चले, कहाँ चले कहाँ चले, कहां चले?